गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर किया। कांग्रेस से टाटा बाय बाय करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुलाम नबी आजाद की। घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगाया, पार्टी में हमारी राय नहीं मानी जाई, ये भी आजाद ने कहा है। तो सुन लेते हैं क्या कुछ गुलाम नबी आजाद ने कहा है। स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं है। वो न ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट, ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे, उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है। किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम, में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी, दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था, वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, है जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख। अरे सुनो भाई, बोलने दीजिए भाई, ये आप भी तो कर सकते हो, ये चीजें ये तो सबके लिए है। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरास हैं, हाँ। और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा, उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। मेरे साथ है आजाद साहब। सर सफल हो सर, लेकिन लेकिन राजनीति में दुआ नहीं चाहिए, दवा चाहिए। आजाद साहब, क्यों आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आगे देश की सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, विस्तार से बताएं। जो लोग कांग्रेस से तंग आके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई टीएमसी में जा रहा है, कोई और रीजनल पार्टी में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल से तंग आ गए हैं, इसीलिए उधर भाग रहे हैं। उनको एक विकल्प देना है कि भाई ये एक विकल्प है, भागो मत, अपनी आइडियोलॉजी को एक दूसरे अपने घर बनाएंगे और आइडियोलॉजी है वो वही रहेगी, क्यों दूसरे के पराई के घर में जा, तो अपना घर बनाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आप विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करेंगे? वो अभी बहुत टाइम है, जब पार्टी बनेगी। आप पर आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पुरानी कि आपका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है, आपको बंगला दिया बीजेपी ने, एक्सटेंशन किया, और आपको लेकर आंसू भी बहाए प्रधानमंत्री ने, आपके डीएनए पर सवाल उठाया है, ये कहा है कि 370 जिन लोगों ने खत्म किया उनसे आपकी हमदर्दी हो गई है, क्या जवाब है? 375 पे किसने, राहुल गांधी ने बोला, मैंने पार्लियामेंट में बोला, अब कौन पार्लियामेंटेरियन है, और मेरे साथ अगर बोला तो G23 के लोगों ने बोला। कौन थी G23 के लोग? मैं, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, शशि थरूर और मिस्टर मनीष तिवारी। ये बताइए, ये G23 ने बोला, किसी दूसरी कलाम का एक क्लिप मुझे बोलिए 320 पर डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट, ये जो हमारा या वो कहते हैं CA या उसके क्या कहते हैं नकाब, हमारे ये जो मीडिया के चेयरमैन है ये तो मुझे बोलते थे आप,
आप मुसलमान होकर मत बोलिए इन इश्यूज पर। जनाब रमेश आपसे कहें। या बोला हाउस में मैं ये आप इशू ये इन इश्यूज पर जो सीए है नकाब है कश्मीर है देश इनके साथ नहीं है। तो मैंने कहा देश नहीं ये सेकुलर चीजें हैं। तो ऐसे लोग तो कांग्रेस पार्टी में है जो कांग्रेस को चलाते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल पीएम के पास है इस पर क्या जवाब है आपका? मेरा कंट्रोल अपने पास है उनका सुनो जिन लोगों ने मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बनने का उनने कहा उनका एजेंडा है भारत मुक्त कांग्रेस जो भारत मुक्त कांग्रेस की तरफ एट द हेलम अफेयर्स उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं वो मोदी से मिले हैं मैं थोड़ी मिला हूं। क्या भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस का और राहुल गांधी का? अरे मैं वो राहुल गांधी इज एन इंडिविजुअल मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। मैं कांग्रेस को आई ऑलवेज विश देम वेल। आपको लगता है कि जो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है किसका चुनाव है? आपका बहुत तो हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की गुलाम नबी आजाद से। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उन्होंने आखिरी में ये जरूर कहा कि आई विश देम वेल यानी कि कांग्रेस के लिए वो शुभकामनाएं ही देंगे। लेकिन उन्होंने अपना दुख जाहिर किया किस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया कांग्रेस के भीतर। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।